अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही है न्यू मेट्रो लिंक को लेकर, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया खबर है। जो भी भाई लोग आप लोग मेट्रो में सफ़र करते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं सुनाने वाला हूँ। खबर ये है कि दोहा मेट्रो और लुसेल ट्रम्प की तरफ से कल के दिन दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था कि नया मेट्रो लिंक सर्विस को वहां पे जोड़ा जा रहा है, जो कि रास बू फोंटास स्टेशन होगा, जो कि दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे मैप में आप देख सकते हो, जो कि 6 अगस्त 2023 को इसे ओपन कर दिया जाएगा। तो साथियों देख सकते हो रास बू फोंटास मेट्रो स्टेशन से लेकर मदीनाटना जो है वहां तक दोस्तों इसे सफर आप लोग कर पाएंगे। तो ऑफिशियली दोस्तों ये मेट्रो दोहा मेट्रो के तरफ से और वहां पे जो लुसेल ट्रम है उनके तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बताया गया। तो जो भी भाई लोग आप लोग मेट्रो में सफर करते हो रास बू फोंटास, तो आप लोग ये बहुत ही बढ़िया खबर है। अगली खबर दोस्तों हमारे साथियों कतर में हॉर्स राइडिंग को लेकर आए। तो भाइयों बता दूं आपको कि कतर में हॉर्स राइडिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी घुड़सवारी। तो जो भी भाई लोग वहाँ पे घुड़सवारी करना पसंद करते हो या फिर घुड़सवारी देखना पसंद करते हो तो कतर में देख सकते हो। साथियों कतर हैविंग लॉन्ग हेल्ड डीप रेस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हॉर्स कंसीडर्ड देम द सिंबल ऑफ ग्रेस स्ट्रेंथ एंड नोबिलिटी। तो जितने भी वहाँ पे अलग अलग मुल्कों के लोग इसमें शामिल हो गए, अलग अलग एज ग्रुप के लोग इसमें शामिल होकर अपने अपने स्किल्स को लेवल को वो लोग वहाँ पे दिखाएंगे। तो घुड़सवारी जिनको देखना पसंद है कतर में जाकर आप देख सकते हो। अगली खबर दोस्तों आ रही कतरी प्लेन कैरिंग फूड एंड मेडिकल सप्लाई अरेब्स इन सूडान। साथियों कतर की तरफ से हमेशा जो है सूडान को मदद किया जाता है, तो फिर से दोस्तों कतर की तरफ से सूडान को मदद भेजा गया है। खबर यह है कतरी प्लेन कैरिंग 14 टन ऑफ फूड, यानी दोस्तों 14 टन फूड को और मेडिकल सप्लाई को सूडान भेजा गया कतर फंड डेवलपमेंट की तरफ से और कतर रेड क्रॉसेंट सोसाइटी की तरफ से भेजा गया। साथियों फ्लाइट जो लैंड किया वो पोर्ट सूडान एयरपोर्ट में लैंड किया, जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर आप फोटो में देख सकते हो। अगली जो खबर दोस्तों वाले साथियों बहुत ही बढ़िया खबर है सभी नए नए टूरिस्टों के लेकर, न्यू बीच टू ओपन इन दोहा ओल्ड पोर्ट। साथियों आपको बता दूं दोहा का जो ओल्ड बंदरगाह है यानी ओल्ड जो पोर्ट है वहां पे न्यू बीच ओपन करने का वहां पे एक प्लानिंग की जा रही है। खबर क्या है पूरा पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओल्ड पोर्ट ऑफ दोहा प्लान टू ओपन बीच, यानी दोस्तों अथॉरिटी की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि पुरानी बंदरगाह दोहा में वहां पे एक नया बीच को ओपन किया जाएगा वेस्टर्न फेकार्ड में, जिसको लेकर दोस्तों वहां पे होटल्स वगैरह होटल्स अपार्टमेंट सैकड़ों दुकानें कैफे रेस्टोरेंट और भी जो नई नई सर्विसेज होती हैं वो सभी सर्विसेज वहां पे मुहैया कराई जाएंगी ताकि टूरिस्टों को वहां पर अट्रैक्शन बढ़ाया जा सके। तो जो भी कतर में आप लोग दोहा पोर्ट के पास रहते हैं तो बहुत ही जल्दी वहां पे नया बीच आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।